हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी स्क्वाड के साथ, मतलब अपनी स्क्वाड नहीं है, मैं रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पे कौन सी जगह उतर रहे हैं लोग, जहाँ भी ले जा रहे सही जगह पर ले जा रहे हैं। मेरे को यहाँ पर खेलना था और फिलहाल मेरे को यहाँ पर दो गोने की UMP और AKM मिल चुकी है। ओके गाइस, अपने सारे बंदे यहाँ उतरे और इनका जो भाला होता है ना, देखना भाई कितना डैमेज देता है। देखना अभी ये मेरे पास ही आने वाला है। कहाँ गया? ओके, रुको, देखो कितना डैमेज देता है इसका भाला। फिलहाल इसको मैं ख़त्म करता हूँ और इसका थोड़ा बहुत लूट मिलेगा वो भी ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ और दो नंबर देख रहे हो खड़ा है और सोच ही रहा है कि मैं कब इसको मारूँ और कब इसका जो है सारा सामान लूट लो। यार कैसे बंदे आ जाते हैं पता नहीं। फिलहाल मैं जो है आ चुका हूँ येसेनिया में, क्योंकि मेरे को पता चला था कि येसेनिया में बहुत सारे बंदे और यहाँ पर मेरे को बग्गी आती हुई दिखती है। तो फिलहाल जो अपना तीन नंबर वहाँ पर लड़ रहा है और तीन नंबर नॉक भी हो चुका है, तो मैं इसका PT बनने का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं थोड़ा रुकता हूँ और उसकी PT बनने का वेट करता हूँ और PT बन भी चुकी है। फिलहाल गाइस थोड़ा बहुत वेट करते हैं क्योंकि मेरे को मालूम है कि यहाँ पे पूरा स्क्वाड है। ओके, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और दो नंबर भी बंदा नॉक हो चुका है। यार कोई नहीं, इसका भी PT बनने वाला है, बनने दो। ओके, ये भी PT बन चुका है। फिलहाल मेरे को जाना पड़ेगा ऊपर, मैं जाके उस बंदे को मारूंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऊपर और ये लोग पता नहीं क्या हो जाता है। रुक भाई, रिकॉल करता हूँ, यार तुम लोग पीछे पड़ जाते हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अभी एक बंदा मेरे को सामने दिखाई दे रहा है और वो वे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बमबारी कर रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं। चार नंबर शायद बमबारी कर रहा है और चार नंबर नॉक भी हो चुका है। फिलहाल मैं बचा हूँ अकेला, लेकिन चार नंबर सिर्फ नॉक है, किल नहीं हुआ है। तो इसको मैंने 25 हेडशॉट दे दिया और फिर सोचता हूँ कि इसको नॉक किया तो फिनिश ही कर दूँ। तो मैंने बॉम्ब गिराता हूँ, मतलब ग्रेनेड करता हूँ, लेकिन मेरा जो है ग्रेनेड फैल जाता है। फिर मैं सोचता हूँ दूसरा भी करूँ, लेकिन दूसरा भी फैल जाता है। तभी मेरे को एक बंदे के यहाँ पर नीचे फुट स्टेप आते हैं, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ और आगे निकलता हूँ। तो मैं बंदे का सोचता हूँ कि बंदे को मार दूँ जो नीचे फुट स्टेप आ रहे हैं, तो तब तक वो बंदा, वो जो छत वाला बंदा था, वो मर चुका होता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा फंस गया था, लेकिन यहाँ पे निकल गया और बंदा मेरे को पता नहीं कहाँ है। फुट स्टेप तो आ रहा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि फुट स्टेप क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। और चार नंबर पर बंदा अपना नॉक था, तो मैं सोचता हूँ कि उसको रिवाइव भी दे दूँ, लेकिन वो जगह कहाँ है मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था। और यहाँ पे सामने मेरे को बंदा दिखता है, इसको तुरंत ही मैं नॉक करता हूँ। फिर मैं चार नंबर बंदे को ढूंढने जाता हूँ, लेकिन पता नहीं उसका लोकेशन मेरे को नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ, तो यहाँ बंदा मेरे पीछे जाता है, देख रहे हो। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने उसको सही से सही मतलब टाइम पे गोलियां मार दी। फिलहाल मैं जो सोचता हूँ कि चार बदनाम ढूंढता हूँ और चार मिल जाता है, उसको पे रिवाइव दे देता हूँ। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पर मेरी जो PT मैंने बंदे को मारा, उस PT को बंदे को मैं लूटता हूँ। फिर अपने मैं अपनी स्क्वाड को पूरा बुला लेता हूँ, स्क्वाड के साथ मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँ वहाँ पर शेल्टर के साइड, लेकिन यहाँ पर मेरे को दिखता है कि सारे बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट मतलब लोकेशन मालूम नहीं होता है। तो मैं जो वहाँ पे मेरे को गाड़ी दिखाई देती है कि मैं वहाँ पे जाता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं गाड़ी पूरा फुल रिटर्न लेता हूँ, मतलब पूरा यू टर्न लेता हूँ और आगे निकलता हूँ। सामने मेरे को बंदे दिखाई देते हैं, शायद दो स्क्वाड थी वहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी थी, तो मैं कन्फर्म हो गया। और दूसरी गाड़ी भी वहाँ से आ रही थी, तो मैं कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे बंदे हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, तो भैया बचना यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको मैं नॉक किया, उसको गाड़ी लगते ही लगते बच गई। तुरंत ही मेरी गाड़ी से उतर गया और उसको बंदे को ढूंढने लगा। तब तक मेरे बंदा मालूम नहीं चल रहा था, बंदा आज गया कहाँ। यहाँ पे देखो अब क्या होता है, मेरे तीनों बंदे नॉक हो चुके थे। फिर मैंने यहाँ पे एक बंदे को मार दिया, मैं तुरंत ही गन स्विच किया और दोनों को बंदे को मार दिया। और तब तक हमारा जो तीन नंबर है वो बेचारा फिनिश हो चुका था। लेकिन फिर मैंने दो बंदों को रिव दिया और आगे निकला। और यहाँ पे मैं एक बंदे को ढूंढ रहा था, जिस बंदे को मैंने गाड़ी से उठाया था उस बंदे को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन वो गाड़ी बंदा नहीं पता नहीं कहाँ गया, मेरे को समझ ही नहीं आया। तो मैं यहाँ पे आगे आता हूँ और इस पत्थर के पीछे आता हूँ, मतलब इस गाड़ी के पास आता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे आ चुका होगा, लेकिन यहाँ पे बंदा मेरे को दिखता ही नहीं है। मैं उसको ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे को नहीं दिखाई देता। तभी मेरे को यहाँ पे सामने गाड़ी दिखाई दी और वहाँ पे उस पर मैंने स्प्रे किया। अभी देखो गाड़ी आई, यहाँ पे मैंने स्प्रे किया, इस बंदे को मैंने बहुत स्प्रे दिया, लेकिन ये डैमेज भी हुआ नॉक भी नहीं हुआ। देख रहा हूँ इसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था, बहुत ज़्यादा, फिर भी ये नॉक नहीं हुआ। मेरे को ये समझ नहीं आया कि नॉक भी नहीं हुआ। फिर मैंने आगे यहाँ पे गया और यहाँ पीछे भी बंदे थे, तो मेरे को सोचा कि मैं उस बंदे को मार दूँ पहले। लेकिन तभी यहाँ पे क्या होता, देखो यहाँ पे दो नंबर को बंदे को जो है बंदा दिख जाता है और तुरंत ये नॉक हो जाता है। देखना अभी, फिर वो देखता हूँ सामने वाली जो गाड़ी गई थी उसको मैं फायर करता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे को नहीं दिखता और दो नंबर जो है अपना नॉक हो जाता है और गाड़ी जो है बंदे जो है मेरी गाड़ी पे डैमेज करते। तो मैं पीछे आता हूँ और फिर उसको रिवाइव देता हूँ।
फिर मैं सोचता हूँ कि वो गाड़ी वापस आई है, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ फिर इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। उसको फुल डैमेज हो रहा है, फुल डैमेज, लेकिन फिर भी वो नॉक नहीं हो रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि नॉक क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैं उसको छोड़ता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे जाके उसको मतलब किल फिनिशिंग किल कर दूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि गाड़ी को ब्लास्ट ही कर देता हूँ। तो मैंने उसको डैमेज भी दिया, वहाँ पे डैमेज भी होता है, लेकिन गाड़ी ब्लास्ट भी होती है, लेकिन फिर भी जो बंदा मरता नहीं है। देख रहे हो पूरा एकदम गाड़ी फिनिश कर दी, फिर भी बंदा नहीं मरता है, तो मेरे को कुछ गड़बड़ लगती है। तो फिर मैं जाता हूँ वहाँ पर, फिर मैं सोच लेता हूँ कि वहाँ पर जाऊँ और मुंडी करो, यहाँ से मुंडी खींचने, और मैंने तुरंत इसको नॉक एंड फिनिश कर दिया। अब ये बंदा पता नहीं हैकर था कि क्या था, कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन इसको डैमेज फुल दिया था मैंने, फिर भी ये नॉक तो हो ही नहीं रहा था। फिर छोड़ो भाई, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं जोन के अंदर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो है जोन बहुत फास्ट आ रहा था और बंदे भी मेरे जोन के बाहर थे। तो मैं सोचता हूँ कि गाड़ी जो हमने फड़ी है उस गाड़ी को लेके मैं जोन के अंदर जाऊँ, क्योंकि जोन भी बहुत दूर नहीं था, लेकिन जोन दूसरा बनने के बाद जोन दूसरा दूर बन गया था। तो यहाँ पर गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं जैसे लगता हूँ देखो दोनों टायर डैमेज थे, आगे की ओर चल नहीं रही थी, पीछे की ओर चल रही थी गाड़ी, तो थोड़ा बहुत पीछे की ओर चलाया, फिर मेरे को चलाने में मज़ा नहीं आया, तो मैं गाड़ी से उतर गया। दोनों पहिए डैमेज थे, चलाने में कुछ मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसका इस मैं उसको छोड़ा और आगे निकलने लगा, तभी मैं आगे आता हूँ और यहाँ पर देखो क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे को एक बग्घी दिखती है और बग्घी को मैं अंदर जाता हूँ, क्योंकि मेरे को गाड़ी की ज़रूरत थी तो गाड़ी भी मिल जाती है, और मेरे पास गोलियां बहुत कम थी, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ सामने जो पेटी पड़ी है इसको लूट लूँ, तो थोड़ी बहुत तो गोलियां मेरे को मिलेगी। तो यहाँ से मैं थोड़ी बहुत लूटफोट करता हूँ, फिर आगे निकलता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे ही मैं आगे जाते यहाँ पे बंदे क्या मतलब बंदे थे, यहाँ पे फाइट हो रही थी, तो मैं सोचता हूँ इन बंदों को मैं फाइट करूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, एक दो बंदे और एक तीसरा बंदा, तो तीन बंदों को मैंने उसी भी उधर ही जगह पर नॉक कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे और बंदे होंगे, लेकिन तीन बंदों को मैं नॉक कर देता हूँ, फिनिश भी कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, चैनल बंदा जो अपना ऊपर में भाग रहा होता है, मैं यहाँ पे कवर लेने की कोशिश करता हूँ, चैनल नंबर जो है अपना ऊपर में भागता है। यहाँ पे देख लो कभी क्या होता है, ये ऊपर में भागा और इसको नॉक ऑन फिनिश भी मिल जाता है, देख लो। और मेरे को पता नहीं, मैं स्पोर्ट हो जाता हूँ और मेरे पे गोलियाँ पड़ने लगती है, लेकिन तब तक जो चैनल नंबर जो है नॉक हो जाता है और जोन भी स्टार्ट हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं भी इसको जॉइन करने जाऊँ और इसको रिवाइव दे दूँ, लेकिन तभी मेरे पे गोलियाँ पड़ती है और मैं भी यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। और दो नंबर इतना पागल है कि कहाँ घूम रहा था, देख लो बहुत दूर भाग रहा था। उसको मैंने बोला था, सबको बोला था कि अपने टीम मेट्स के साथ रहना, लेकिन पता नहीं बंदे कैसे आ जाता है, दूर दूर जगह पर भागते रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपना जो गेम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दो नंबर अपना जो बहुत दूर होता है। फिर मैं सोचता हूँ कि बाहर आ जाऊँ और मतलब खुद फिनिश ही हो जाऊँ, क्योंकि दो नंबर तो बहुत दूर था, वो अपने पास आ नहीं सकता था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारा चिकन डिनर नहीं हुआ, लेकिन अब तो हम चिकन डिनर करके रहेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।